हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी बुक लेके आई हूँ और आपने इस बुक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। काफ़ी फेमस बुक है ये, काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप संगीत की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप संगीत से कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। और नहीं भी, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक मतलब जब आप कोई भी क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं संगीत की, 9th, 10th, 11th, 12th, उसमें इस बुक का मतलब चर्चा है इस बुक की। और ये बुक जो रचित है, इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उनके द्वारा रचित है। तो आपको समझ आ गया होगा मैं किस बुक की बात कर रही हूँ। बुक का नाम है क्रमिक पुस्तक मालिका। जो मेन इसकी स्पेशलिटी है वो है कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट कई सारे रागों की इसमें नोटेशन दी गई हैं बंदिश के साथ, और इतना इजी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, इतना अच्छे तरीके से, मतलब आप बंदिश इसमें से सीख सकते हो, नोटेशंस को सीख सकते हो, कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा एक ऐसी रचित बुक है कि इसमें इतना कुछ खजाना है कि अगर आपने इसमें से एक एक राग की भी अगर बंदिश आप करते हो हर रोज़ नोटेशन के साथ, तो आप काफ़ी कुछ इसमें से कर सकते हो। मतलब इतना सारा खजाना है इस बुक में कि मैंने इसको पढ़ा, इसमें बेसिक चीज़ें भी हैं स्टार्टिंग में, जिसमें आपका नाद है, स्वर है, श्रुति है, शुद्ध स्वर है, विकृत स्वर है, थाट है, राग है, वर्ण है, ध्रुपद है, धमार है, अलंकार है, वादी स्वर है, संवादी स्वर है, विवादी स्वर है, लय के बारे में बताया गया है इसमें, वक्र स्वर है। मतलब ये बेसिक चीज़ है, इनको पूरा क्लियरली डिफाइन किया है। इसके अलावा कई सारी इसमें मतलब ताले दी गई हैं बेसिक से, जैसे आपकी स्टार्टिंग से कहरवा, दादरा, रूपक, चार ताल, सूल ताल, पंजाबी ताल, दीपचंदी ताल, ठीक है, और आड़ा चार ताल, ये सारी ताल भी इसमें बताई गई हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका इसमें कितने सारे राग हैं उनकी कई सारी मतलब बंदिश है विद नोटेशन। ये चीज़ मुझे मतलब इतनी अच्छी लगती है, जैसे कि अगर हम अपने गुरु के पास, जैसे होता है ना कि जैसे हमारे गुरु हमें कोई राग करा रहे हैं, उसकी एक बंदिश जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, तो होता है कि जैसे कि कहीं कहीं बहुत दूर, मतलब जैसे हम सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं किसी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन आप जहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हैं, वो वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, सपोज़ 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, हम हर रोज़ नहीं जा पा रहे हैं उनके पास। तो ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ये V.N. भातखंडे जी ने सोच लिया था, और उन्होंने यही सोचते हुए इस बुक को कंपोज किया। क्यों? क्योंकि हम घर बैठ के इसमें से वो बंदिशें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली नोटेशन लिखी हुई है। आप इसमें से बंदिशें तैयार कर सकते हो, गा सकते हो, बजा भी सकते हो, एक एक राग की कई सारी बंदिशें हैं इसमें, ठीक है। तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ना, इसमें काफ़ी कुछ अच्छा मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा। और बंदिशों की तो मैं क्या बात करूँ, इसमें बहुत अच्छी बंदिशें हैं, और जैसे कि राग भैरव है, राग भैरव में आपको कई सारी बंदिशें मिल जाएंगी विद नोटेशन, बहुत अच्छी मतलब, और प्लेइंग के पर्पज़ से भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कोई भी बंदिश जैसे प्ले करनी है तो क्लियरली नोटेशन दी गई है इसमें, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये बुक दिखाती हूँ, पहले इसका इंडेक्स दिखाऊंगी कि इसमें जो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा ताल भी दिखाऊंगी आपको, ताल के बारे में दिया गया है, और साथ में आपको मैं दिखाती हूँ कि रागों की जो बंदिशें हैं इसमें कितनी अच्छी दी गई हैं, कितने अच्छे तरीके से दी गई हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा जो मतलब काम था जो भातखंडे जी द्वारा, जो ये इन्होंने सोचा कि ये आगे दिक्कत आएगी कि हम हर रोज़ नहीं जा पाएंगे क्लास लेने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलेज होता है, वहाँ जाना होता है, फिर इवनिंग क्लासेस होती हैं, कोई जैसे कई दूर किलोमीटर्स अगर नहीं कोई जा पाता है, तो इस बुक के थ्रू हम वो चीज़ कर सकते हैं। हफ्ते में अगर हम एक से दो दिन क्लास जाते हैं अपने गुरुजी के पास, उसके अलावा आप घर बैठ के इसमें से और सारी बंदिशें तैयार कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे बोलूँगी एक बार इस बुक को ज़रूर देखना, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो एक बार मैं शो इसमें से दिखाती हूँ आपको, वेट।
ये देखिए क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे वीएन भातखंडे द्वारा रचित है। ये भाग दो है मेरे पास अभी, ठीक है। और इसका मैं इंडेक्स दिखाती हूँ। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी प्रस्तावना, तालों का खुलासा, चिन्ह परिचय, मंगलाचरण, इसमें देखो आपका शास्त्रीय परिचय में ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। बहुत सब कुछ है इसमें, नाद स्वर सप्तक स्थान, मंत्र मध्य अवतार स्थान, शुद्ध स्वर विकृत स्वर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये दिख रहा है आपको, और ये देखो ये सारी सब कुछ दिया गया है इसमें। इसके अलावा इस राग का नाम है, अब देखो इसमें देखो राग, जैसे सॉरी राग यमन है, राग यमन। अब इसमें कितनी सारी बंदिशें हैं ये देख रहे हैं आप, 21 से स्टार्ट है 56 तक, मतलब इतनी इसमें बंदिशें दी गई हैं, ओके। और ये देखो ये सारी ताल हैं, और ये देखो कई सारे राग हैं, और जितने भी राग हैं और ये जो नंबरिंग हो रखी है, जैसे इसमें है ये 123 से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बंदिशें हैं इसमें। इसकी 24 बंदिशें दी गई हैं, इसकी 20 हैं बिलावल की हैं 5, ये देखिए आप। अब देखो जैसे कि पहले इंडेक्स में दे रखा था नाद, तो देखो नाद के बारे में पूरा इसमें बताया गया है, ठीक है, जो भी दिया गया है। अब मैं आपको बंदिश दिखाती हूँ, जैसे कोई भी एक राग ले लेते हैं, ये देखो जैसे अलैया बिलावल है, ठीक है, तो अलैया बिलावल है 3 ताल में मध्य लय में ही दिखाया गया। देखो इसमें इसके लिरिक्स हैं, साथ में नोटेशन दी गई है, बहुत अच्छे से मतलब नोटेशन को दिखाया गया है इसमें, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए और भी है, बहुत है, मतलब क्या बताऊँ मैं, आप कितना भी पढ़ोगे कितना भी पढ़ोगे, इतनी बंदिश है, इतना कलेक्शन है इसमें, ये काफ़ी में दिया गया है। ये देखो लिरिक्स दिए गए हैं, साथ में नोटेशन भी दी गई है। तो मैं आपको एक बार ज़रूर बोलूँगी, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको।